बंद झालं होतं बघा. लक्ष्मी अभी नहीं लिखने का, पूरा होने के बाद लिखने का. आज हम क्या सीखेंगे, नंबर वर्क में हम प्लेस वैल्यू सीखेंगे. जो नंबर्स रहते हैं, नंबर्स अभी कितने डिजिट तक रह सकते हैं, 10 डिजिट तक रह सकते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट हम देखते हैं ना. अभी 1 से लेके सबसे पहले सीखेंगे डिजिट कैसे बोलते हैं. अभी सबसे पहले हम जो नंबर लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. बाद में ये होने के बाद अपन आ जाते 99 तक. 99 के बाद नंबर क्या चालू हो जाता है, 100. बराबर. अभी इसमें हम डिजिट का सीखेंगे. सबसे पहले जो 1 नंबर रहता, 1 से लेके 9 तक, ये अभी एक सिंगल ही नंबर है. बराबर. यानी हम इसको क्या बोलेंगे, 1 डिजिट. वन डिजिट. बाद में 9 के बाद 1 0 10 आ जाता, इसमें कितने नंबर है, 2. यानी इसको क्या बोलेंगे हम, 2 डिजिट. बराबर. बाद में 99 तक 2 डिजिट है. बराबर. 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर है. बाद में 99 के बाद 100 ये कितना नंबर आता है, 3. यानी ये कितने डिजिट है, 3 डिजिट. अभी समझो, जैसे इसका ये बदलता है, प्लेस बढ़ता है, एक नंबर बढ़ता है तो उसका प्लेस वैल्यू भी बढ़ता है. अभी ये 1 से लेके 9 तक ये हो गया 9 नंबर, ये 1 ही सिंगल नंबर है. लेकिन 10 के बाद ये हो गया 2 डिजिट और इसका वैल्यू भी बढ़ गया 10. 9 के बाद 10, इधर 99 के बाद 100. प्लेस बढ़ गया, जगह बढ़ गई. 1 के बाद 2 आया, 2 डिजिट के बाद आया 3 डिजिट. बाद में 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट, 4 के बाद 5 डिजिट. अभी ये तो समझ में आया, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट. अभी हम नंबर की स्पेलिंग कैसे राइट करेंगे ये सीखेंगे. ये समझ में आया पूरा. अभी हम समझो, सबसे पहले 2 डिजिट का देखेंगे. समझो ये नंबर है, ये कितना नंबर है, 35. बराबर. हम प्लेस नेम पे ये बता देंगे. अभी हम ये जो इधर का 5 है और ये 3 है. बराबर. ये कैसे बन गया, 35 बोलते रहे हम इसको. 5 जो है वो वंस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, वंस, यानी 1 डिजिट. और 3 कौन से प्लेस पे, 10 प्लेस पे, यानी 33 टेंस. 3 टेंस. अभी कैसे 3 टेन बन गया, समझो. अभी ये बॉक्स है, समझो चॉकलेट का बॉक्स है, उसमें 10 चॉकलेट है. बराबर. और एक बॉक्स है, उसमें भी 10 चॉकलेट है. और एक बॉक्स है, ये कैसे हो गया, 10 चॉकलेट है. बराबर. ये हो गया 30 चॉकलेट. लेकिन ये जो 5 है वो 5 चॉकलेट्स ऐसे खुले हैं, जैसे कि देखो, A1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 4 चॉकलेट और 5 चॉकलेट. यानी ये 30 प्लस ये 5 कितना हुआ, 35. आया समझ में. 30 को हम क्या बोलते, 30. और ये वंस प्लेस को 5, इसलिए बोलते 35. अभी हम इसकी लिखेंगे स्पेलिंग. अभी जैसे बोला वैसे ही लिखने का. अभी आपने को 1 to 100 तक स्पेलिंग आती ना,
बहुत हो गया। 30 की स्पेलिंग क्या है? ये हो गया 2 डिजिट की स्पेलिंग राइटिंग, बराबर। अभी इसका हम इसमें भी अभी ये हो गया स्पेलिंग राइटिंग, अभी प्लेस वैल्यू सीखेंगे। अभी समझो ये क्वेश्चन है, अभी समझो ये क्वेश्चन है, उसके नीचे 3 के नीचे इसको अंडरलाइन किया है और आपसे कहा गया है कि जो नंबर के नीचे अंडरलाइन है उसका आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू यानी कि जो नंबर उस प्लेस पे है, उस जगह पे है, उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस कितनी है। अभी समझो ये 3 इधर रहता तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती, लेकिन प्लेस जो है वो कौन सा है? 10 प्लेस। अभी 3 टेंस यानी कितना होता है? 30। यानी 3 की वैल्यू कितना आएगी? 30, बराबर। ये हो गया प्लेस वैल्यू। अभी इसमें भी हम एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? अगर आपको बताया गया है कि इसका एक्सपांडेड फॉर्म आप लिखिए, तो एक्सपांडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? एक्सपांडेड फॉर्म यानी ये कितना है? 30, 3 टेंस पे यानी 30। ऐड का सिंबल लगाने के इसमें एडिशन का। एक्सपांडेड फॉर्म करते समय जो बड़ा नंबर है, जो बड़े प्लेस है, वहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। ये कितना है? 30 प्लस कितना है? 5। ये होगा इसका एक्सपांडेड फॉर्म। 30 + 5 = 35। आया समझ में इतना? अब देखेंगे 3 डिजिट का। ये हो गया 2 डिजिट, अभी 3 डिजिट का। अभी समझो, अभी प्लेस नेम तो आपको मालूम है, पहला प्लेस कौन सा आता? वंस। दूसरा, तीसरा 100। तीसरा कौन सा था? 100। चौथा 10,000। उसके बाद 10,000, बाद में लाख, बाद में करोड़, राइट, बाद में 10 करोड़, बराबर। अभी देखो मैं 3 डिजिट का नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी ये 7, अभी देखो ये 1 प्लेस पे 7 है, 10 प्लेस पे 5 है, बाद में 100 प्लेस पे भी कौन सा नंबर है? 7। अभी दोनों जगह 7 है तो इसकी वैल्यू एक ही रहेगी क्या? नहीं, क्या होएगी? चेंज हो जाएगी, एक तो बढ़ेगी नहीं तो कम हो जाएगी। अभी सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि एक्सपांडेड फॉर्म करते समय आपको सबसे बड़ा प्लेस पे आपको एक्सपांडेड फॉर्म चालू करना है। तो अभी ये कौन सा है? 700। कौन से प्लेस पे? वो 100 प्लेस पे। 700 यानी हम इसको नंबर में कैसे लिखेंगे? नंबर राइटिंग में 700। ये हो गया 7। 7 ये एच प्लेस पे, एच यानी कि 100 प्लेस। 700 ऐड। अभी ये 5 कौन से प्लेस पे? 10 प्लेस पे। तो उसकी वैल्यू कितना हो गई? 10, 50, 1। कितनी? 50। 5 टेंस यानी कितना? 50, बराबर। अभी ये इधर भी 7 था और इधर भी 7 है, लेकिन इसकी वैल्यू अभी चेंज हो जाएगी। 7 1 प्लेस पे यानी कि कितना वैल्यू हो गई उसकी? 7। सिर्फ 7। ये हो गया इसका क्या हो गया? एक्सपांडेड फॉर्म। बाद में जैसे हम नंबर पढ़ते ना 757, वैसे ही स्पेलिंग लिखने का है। ये जगह पे कौन सा है? 7 की स्पेलिंग लिखेंगे हम। 100 अरे 757। आया समझ में? अभी ये 3 डिजिट का आपको समझ में आया? अभी करेंगे 4 डिजिट का। 4 डिजिट का यानी 100 के बाद में और एक प्लेस अपने को बढ़ाना है। वेदांत किधर ध्यान है तेरा? ये आया ना समझ में? अभी 1000 और एक नंबर बढ़ाएंगे हम।
अभी ये कौन कितना डिजिट है, फोर फोर डिजिट बराबर। ए वन प्लस, टेन प्लस, हंड्रेड प्लस, थाउजेंड प्लस। अभी इसकी जो अभी ये मैंने एक नंबर समझो ये रेड पेन के ऊपर मार्किंग किया है, समझो ये ठीक है, इस पे मार्क है एट के ऊपर। तो अभी जो एट के ऊपर नंबर है उसमें जो रेड मार्क किया मैंने वो कौन से प्लेस पे, थाउजेंड। कौन से प्लेस पे, थाउजेंड। ये कौन से प्लेस पे, थाउजेंड प्लेस पे बराबर। अभी एट थाउजेंड, एट टी एच, एट टी एच थाउजेंड प्लेस पे है ना, ये थाउजेंड प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एट। अभी देखो हाँ प्लेस वैल्यू लिखते समय, अभी अगर ये समझो आपको एट की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो इसके आगे जितना भी नंबर है, कितना नंबर है, वन टू थ्री, तो इतना जीरो दे डालने का हो गया आपका प्लेस वैल्यू, एक दो थ्री हो गए, एट थाउजेंड इसकी वैल्यू आ गई। एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे हम, ऐड करना पड़ेगा ना, सबसे पहले क्या करना है, एट थाउजेंड एंड प्लस प्लस सिक्स, ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। अभी स्पेलिंग लिखेंगे, ये कितना है, एट, सबसे पहले एट की स्पेलिंग लिखेंगे, एट थाउजेंड की स्पेलिंग, एट थाउजेंड, बाद में थ्री, कौन से प्लेस पे, थ्री हंड्रेड, थ्री एंड 96, ये हो गई स्पेलिंग राइटिंग, 8396, ये हो गया स्पेलिंग। एक्सपांडेड फॉर्म समझ में आया, फोर डिजिट तक आपने सीखा। अभी इधर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये अभी सॉल्व करके दिखाओ। अभी क्या करने का बोलता हूँ, एक्सपांडेड फॉर्म किधर लिखने का है, प्लेस वैल्यू किधर लिखने का, मैं अभी एक चार्ट बनाता हूँ आपको उस तरह। अभी क्वेश्चन इधर देता हूँ, क्या है द क्वेश्चन आपको इधर लिखने का, एक्सपांडेड फॉर्म, हाँ बनाओ, इधर आया क्वेश्चन, इधर क्या लिखेंगे हम, एक्सपांडेड, एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे और इधर प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। अभी प्लेस वैल्यू कहाँ के लिखने के, जो नंबर के नीचे रेड मार्क है उसी नंबर के आपको प्लेस वैल्यू लिखने की, आया समझ में। अभी समझो एक सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, अभी समझो, अभी समझो ये मैंने नाइन के नीचे मार्किंग किया है बराबर। हम मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका एक्सपांडेड फॉर्म बनाऊँगा, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड। अभी ये फाइव थाउजेंड प्लेस पे तो मैं फाइव थाउजेंड लिखूँगा, एड थ्री हंड्रेड प्लेस पे तो थ्री की वैल्यू लिखूँगा, थ्री जीरो जीरो हंड्रेड, थ्री हंड्रेड प्लस नाइन, टेन प्लेस पे तो मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा, बाद में टू वन प्लेस पे, वन प्लेस पे तो उसकी वैल्यू लिखो। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म, 5392 एक्सपांडेड फॉर्म। अभी प्लेस वैल्यू, अभी मैंने किधर मार्किंग किया है, नाइन की, तो इसकी वैल्यू क्या लिखूँगा मैं, नाइन जीरो नाइन्टी, आया समझ में। अभी दे दो ऐसे क्वेश्चन, रेडियो स्पेलिंग नहीं लिखा, स्पेलिंग लिखेंगे तो जगह नहीं पूरेगी, स्पेलिंग हम बाद में लेंगे, ओके। हाँ
सॉल्व करो अभी, हाँ दिखाओ।